हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम मदर एंड चाइल्ड का एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट सो स्टेप नंबर वन इज़ कि हमें एक बेसिक स्केच बना लेना है और इस स्केच का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सो यू कैन चेक इट आउट इट्स अ वेरी सिंपल स्केच फ्रेंड्स एंड आई थिंक आपको कोई भी uh, मुश्किल नहीं आएगी इसको बनाने में सो यू कैन जस्ट कॉपी इट डाउन एज इट इज़ सो टा हे इज माई फाइनल रिजल्ट एंड नाउ लेट स्टार्ट पेंटिंग तो हम पोस्टर कलर्स का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे मैंने बहुत सारा वाइट थोड़ा सा रेड थोड़ा सा येलो एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ब्लैक ले लिया है एंड हम इसको मिक्स करेंगे एंड एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा स्किन कलर बनेगा इससे गाइज आप देख सकते हैं एंड इसी स्किन कलर को हम बना लेंगे सो so, यहाँ पे अब मैं पेंटिंग स्टार्ट कर रही हूँ आप देख सकते हैं पेंटिंग हमेशा एक ही डायरेक्शन में करना है इससे बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेक्सचर आएगा और यहाँ पे मैं नेक पे भी पेंट कर रही हूँ फिर हम हैंड्स पे पेंट करेंगे देन हम चाइल्ड के फेस पे पेंट करेंगे एंड देन उसके हैंड्स पे इस तरीके से हमारा पेंटिंग हो जाएगा नेक्स्ट वी विल टेक क्रिमज़न कलर इफ़ यू डोंट हैव क्रिमज़न कलर यू कैन इवन यूज़ रेड कलर इट्स टोटली फ़ाइन तो क्रिमज़न कलर लेके मैं मदर के जो क्लोथ्स है उस पर पेंट करने वाली हूँ इस वक्त हमें याद रखना है कि हम बिल्कुल सॉलिड कलर्स फिल कर रहे हैं और बाद में हम उसके ऊपर शेडिंग देंगे तो आप देख सकते एक एक करके मैं इधर पेंट कर रही हूँ और मार्क्ट एरियाज़ में आपको भी कलर फिल कर लेना है हाँ एक और चीज़ है कि अगर आपके थोड़ा सा भी बॉर्डर पे कलर लग जाए जैसा कि मेरा थोड़ा सा लग गया था तो डोंट टेक टेंशन फ्रेंड्स हम उसके ऊपर से एक और लेयर लगा देंगे दूसरे पेंट का सो so, वो समझ नहीं आएगा तो इस साइड वाले हैंड में भी आपको कलर कर लेना है हमें एक हाथ को नहीं भूलना है तो इस तरीके से हमारा पूरा जब क्लोथ्स का पेंटिंग हो जाए देन वी आर गोइंग टू स्विच ऑन टू अदर डिटेल्स एज वेल सो राइट नाउ विथ द क्रिमजन कलर आई मिक्सिंग अट ऑफ ब्राउन इन इट और ये एक बहुत ही अजीब सा ब्यूटिफुल सा कलर बन गया अचानक से सो आई डिसाइडेड टू यूज़ दिस शेड ओनली अब हम लोग जो अंदर वाले साइड है इस क्लोथ्स के अंदर वाले साइड को हम इस कलर से पेंट कर देंगे हम देख सकते हैं जो जो जगह तो वो थोड़ा सा डार्क लगेगा वहाँ पर सो विल स्टार्ट पेंटिंग ओके सो यहाँ पर मैंने राउंड ब्रश का इस्तेमाल किया है बट अगर आपको बहुत परेशानी होती है मोटे ब्रश से देन यू कैन इवन यूज अ स्मॉलर साइज ब्रश एज इट वुड ऑल्सो वर्क अब हम येलो और ऑरेंज और कलर को मिक्स करके एक येलो एश ऑरेंज कलर बनाएंगे एंड वी आट टू पेंट ऑन द चाइल्ड्स हेयर वो एक ब्लॉन्ड टेक्स्चर देगा हमको सो so, मैं इस प्रोसेस को थोड़ा फास्टन अप करूँ इसमें मैंने अपने ब्रश को थोड़ा गोल गोल चलाया है सो दैट दी टेक्स्चर रिमेन्स बट इट ऑल्सो लुक्स ब्यूटिफुल एंड इसी ऑरेंजिश येल्लोइ कलर से हम इन दोनों का जो क्राउन है उसके ऊपर भी पेंट कर देंगे पीछे के साइड थोड़ा सा ग्लो लाने के लिए मैंने मीडियम येल्लो कलर फिल कर दिया है तो आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये अभी तक नाओ वी विल स्टार्ट मेकिंग दी चाइल्ड्स क्लोथ चाइल्ड्स क्लोथ के लिए मैंने प्रशियन ब्लू के साथ थोड़ा बहुत सारा इनफैक्ट व्हाइट मिलाया है और इससे ये बहुत ही अच्छा पेस्टल कलर मुझे मिल गया है एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई इट ऑन टू अर चाइल्ड्स क्लोथ सो वंस दिस इज डन गज हमारा फर्स्ट प्रार्ट खत्म हो गया पेंटिंग का एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद दी शेडिंग तो शेडिंग के लिए मैंने जो वो कैरमाइन कलर बनाया था उसको स्किन कलर के साथ मिक्स कर दिया तो आप देख सकते हो उसका एक डार्कर शेड आ गया है एंड मैं बॉर्डर्स में उसी के साथ पेंट कर दूंगी अगर आपसे ये कलर नहीं बन रहा देन यू कैन इवन यूज़ येलो ओका कलर उसमें थोड़ा ब्राउन मिला दीजिएगा सो इस टाइप का ही कुछ कलर बन जाएगा फॉर बैकग्राउंड आई यूज प्रशियन ब्लू एंड उसके साथ मैंने लेमन येलो मिक्स कर दिया ताकि हमारे पास एक ग्रीनिश सा कलर आ जाए एंड हमारा बैकग्राउंड भी बन गया है फ्रेंड्स नाउ ओनली थिंग लेफ्ट इज़ द आईज ऑफ द चाइल्ड एंड द मदर तो पहले मैंने आइज़ ही बनाने की कोशिश की बट देन आई गॉट स्केयर्ड कि ड्राॅइंग खराब हो सकता है सो so, मैंने थोड़ा सा पेंसिल से रफली आईज का जो पोजिशन है वो मार्क कर लिया वो आप भी कर पाएंगे आई नो यू आर प्रटी इंटेलिजेंट सो उसके बाद पेंसिल uh, के ऊपर आपको बस कलर से आउटलाइन कर देना है uh, यहाँ पे मैंने कैरमाइन कलर यूज़ किया है विच इज़ क्रिमज़न प्लस ब्राउन आई डोंट नो इट्स कॉल्ड कारमाइन और नॉट बस मुझे ऐसा लगा कि उसे वही कहते हैं बट क्रिमज़न प्लस ब्राउन कलर को मिक्स करके मैंने ये बनाया है तो वंस दिस इज़ डन मैंने आईब्रोज भी बना दिए एंड अब मैं क्या करूँगी जो बॉर्डर्स लेफ्ट है मदर के क्लोथ्स में उसके ऊपर मैं थोड़ा सा गोल्डन uh, कलर का टच लाऊंगी और यहाँ पे बालों पे भी आप देख सकते हैं मैंने डिटेल्स दे दिया और फाइनली मैं ये गोल्डन कलर मैंने लगा दिया इसके ऊपर एंड पीछे बैकग्राउंड पे मैं सिल्वर स्टार्स लगाऊंगी जस्ट टू ऐड सम शाइन टू माय पेंटिंग इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स सो वंस दिस इज़ डन गाइज हमारा पेंटिंग बन चुका है आई होप आपका भी पेंटिंग बहुत अच्छा है हो इनफैक्ट मुझसे भी बेटर आया हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाय बाय यहाँ तक कोई आया भी है अगर आया है तो फिर सब्सक्राइब कर ही दो भाई यू आर माई ट्रू फैन